टेस्टिंग होने वाला है विथ न्यू वर्जन ऑफ चैट जीपीटी 4। सो यहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं कुछ कुछ हटके और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइफ में एक तो भी बार करना चाहिए हर एक इंसान को। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक बिगिनर अपना सॉफ्टवेयर कैसा बना सकता है। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे मिस चैट जीपीटी को क्वेश्चन करेंगे कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कैसा बना सकते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे जो है हम दूसरे तरफ मीन्स दूसरे और साइड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे अपने हमें जो है पूरी डिटेल नहीं मिलेंगी क्या क्या है किधर से क्या करना है। तो यहाँ पे जो चैट जीपीटी हमें क्या बताता है पूरी डिटेल देता है या नहीं देता है तो ये देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे सब में पहले क्वेश्चन टाइप करेंगे हम हाउ बिगिनर बिगिनर सिविल इंजीनियर मेट देयर ओन सॉफ्ट वी आर यूजिंग ऑन पाइथन। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया है। तो यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप ये पूरा अपने को गाइड करेगा क्या इस एक पाइथन के जरिए हम जो है सॉफ्टवेयर कैसा बना सकते हैं। ओके, तो सब में पहली स्टेप क्या है, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर एज अ बिगिनर सिविल इंजीनियर यूजिंग पाइथन रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। तो आपको सिविल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए और प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। ओके, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। सब में पहले है लर्न पाइथन। अब हमें पाइथन के अंदर ही सॉफ्टवेयर बनाना है तो सब में पहले अपने को लर्न करना पड़ेगा पाइथन। फेमिलराइज योर सेल्फ विद बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देर आर न्यूमरस ऑनलाइन रिसोर्स एंड ट्यूटोरियल अवेलेबल इंक्लूडिंग इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लाइक कोड एकेडमी। को यहाँ पे जो है सब उसने नाम बता दिया है, आपको कुछ सर्च मतलब किधर भी जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर लेंगे आप। तो यहाँ पे जो चैनल मिल गया आप डायरेक्ट सर्च करके सिर्फ उसका बेसिक सीखने का है। पाइथन का जो है आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि वो वर्क कैसा करता है। तो बेसिक समझ में आ गया तो आप समझ लो आपके पहली स्टेप खत्म हो गई। दूसरी जो है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, डिटरमाइन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टास्क इन सिविल इंजीनियरिंग दैट यू वुड लाइक टू एड्रेस विथ योर सॉफ्टवेयर। इट कुड बी ऑटोमेटिंग कैलकुलेशन जनरेटिंग रिपोर्ट और एनालाइज डाटा। हैविंग क्लियर गोल विल हेल्प यू फोकस योर एफर्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसने बता दिया कि आपके पास एक मीन्स आपके पास एक चीज़ होना चाहिए कि आपके आपको करना क्या है। आपको स्ट्रक्चर मतलब जो भी आप करना चाहते हैं या जैसा आपको कोई स्ट्रक्चर एनालिसिस को कर सॉफ्टवेयर बनाने का या डिज़ाइन का बनाने का है या फिर एस्टिमेट का करने का है। ओके, या फिर उसने रिपोर्ट जनरेट करके देना ये सॉफ्टवेयर होना। तो आपको क्या कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए वो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, ये डिफाइन हो गया आपका प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई हो गया प्रॉब्लम। ओके, दो स्टेप खत्म हो गए। अब तीसरा है प्लान योर सॉफ्टवेयर, क्रिएट अ डिज़ाइन फ्लो चार्ट फॉर योर सॉफ्टवेयर, आइडेंटिफाई द इनपुट एंड आउटपुट एंड द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क, ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इंटू स्मॉलर कंपोनेंट एंड कंसिडर द अल्गोरिदम एंड फार्मूला दैट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पे जो है आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम। अब आपको करने का है कि आपने जो भी चार्ट बनाया है उसे मतलब फ्लो चार्ट में उसे लिख देना है कि आपके स्टेप बाय स्टेप कैसा मीन्स वो आपको कौन सा भी एक जैसा बिल्डिंग डिज़ाइन करने का है तो आप पहले उसे लोड डालेंगे, फिर उसे सपोर्ट कंडीशन देंगे या फिर उसे स्पेसिफिकेशन देंगे। तो आपको ये उसे फ्लो चार्ट में उसे बताना पड़ेगा, क्या एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा कि पहले ये स्टेप आएंगी, सेकंड स्टेप ये आएंगी, थर्ड स्टेप ये आएंगी।
ओके, तो ये आप एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करके फिर नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं, फिर उसका एल्गोरिदम बन जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब आपको करने का रिसर्च एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज बिफोर राइटिंग कोड फ्रॉम स्क्रैच, एक्सप्लोरिंग यूज एग्जिस्टिंग पाइथन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क दैट कुड बी यूजफुल फॉर योर प्रोजेक्ट। लाइब्रेरी दैट NumPy, NumPy, Pandas एंड Matplotlib, ओके, आर कॉमनली यूज इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग applications. They provide functionality for data manipulation, analysis and visualization, which can save you time and effort. तो यहाँ पे जो है एकदम सिंपल चीज बता दिया उसने, रिसर्च करो। अब क्या है, हम क्या करेंगे कि हम कभी सॉफ्टवेयर मीन्स उसे फ्लो चार्ट में बना दिया, हम अपना अपना स्टार्ट कर देंगे। तो वो बोल रहे हैं कि जैसा अपनी लाइब्रेरी है, इसकी खुद की लाइब्रेरी है पाइथन की, वो पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगती है वो डायरेक्टली उठा लो। ओके, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लगती है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, तो वो डायरेक्टली आप ले सकते हैं बिना एफर्ट लगाए। तो आपको सिर्फ सर्च करना है और इंफॉर्मेशन जो आपके सॉफ्टवेयर में लगती है उतना उठाना है। राइट अ कोड, राइट द कोड, स्टार्ट कोडिंग योर सॉफ्टवेयर यूजिंग पाइथन। बिगिन बाय इंप्लीमेंटिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर फंक्शन और मॉड्यूल टू इम्प्रूव कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड रीयूजेबिलिटी। यूज अप्रोप्राइट कोडिंग प्रैक्टिस लाइक कमेंटिंग योर कोड यूजिंग मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स एंड एडहेरिंग टू पीईपी स्टाइल पीईपी 8 स्टाइल गाइडलाइन। तो यहाँ पे जो है आपको अच्छे से कोड लिखना है आपका, उसे ब्रेक डाउन करना है स्मॉलर फंक्शन के अंदर, और ऐसा करना है कि उसको रीयूज होते जाए। ओके, और जो है आपको जो है जो भी आप कोड लिखते जाएंगे तो वहाँ पे कमेंट करके वहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे ये कोड हमने ये फंक्शन ये चीज़ के लिए लिखा है। ओके, तो आपको वो जो भी आप कोड लिख रहे हो तो सब में पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। ओके, आप फिर कुछ समझ में ना आ रहा फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, टेस्ट एंड डिबग एज यू डेवलप योर सॉफ्टवेयर रेगुलरली टेस्ट इट विद डिफरेंट इनपुट सिनेरियो एंड वेरीफाई दैट द आउटपुट आर करेक्ट। इम्प्लीमेंट ऑटोमेटेड अनटिल यूनिट टेस्ट टू इंश्योर द रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ योर कोड। डिबग एनी इशू और एरर दैट अराइज ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड फिक्स देम अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेस्ट और डिबग करना है। तो यहाँ पे जो है आप पहले इनपुट लेंगे, इनपुट को रन करेंगे, आउटपुट में जो आपका रिजल्ट आ रहा है आप चेक करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं है। आपका वो करेक्ट नहीं है तो आप उसे डिबग करेंगे। डिबग में क्या है, जो भी इशू आ रहा है या एरर आ रहा है तो वो फिक्स करेंगे आप, और फिक्स करते करते आपका सॉफ्टवेयर जो है डेवलपमेंट में चल लेगा। फिर इटरेट एंड इम्प्रूव। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज एन इटरेटिव प्रोसेस, सो एक्सपेक्ट टू मेक इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन फीडबैक एंड यूजेज। इनकॉर्पोरेटेड यूजर फीडबैक, रिफाइन योर एल्गोरिथम एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ योर सॉफ्टवेयर। स्ट्रीव फॉर सिंप्लिसिटी, यूजेबिलिटी एंड इफिशेंसी। तो आपको करना क्या है, आप अपना सॉफ्टवेयर बन गया फिर ओके, आपको यूज़ करने देना है कुछ लोगों को, और देखना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है सिंपल है या यूजेबिलिटी में है या एफिशिएंस है। ये तीनों भी जो चीज़ है उसके अंदर रहना। आप ऐसा ना हो कि वो सॉफ्टवेयर पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाए और कोई यूज़ ना करे उसे। तो यहाँ पे आपको इटरेटिव प्रोसेस भी करना पड़ेगा। ओके, डॉक्यूमेंट एंड पैकेज। Document your software by providing clear instruction on how to install, configure and use it. Consider creating a user manual or providing in-app documentation. Package your software using tool like Py installer or Py2exe, making it easier for other to install and run it without requiring Python and its dependency separately. Okay, तो आपको जो है क्या कहाँ से पैकेज करना है, क्या है कौन सा आपको टूल यूज करना है, तो ये सब जो है चैट जीपीटी 4 ने बता दिया। ओके, डॉक्यूमेंट और पैकेज कैसा करना है इसको। शेयर एंड कोलैबोरेट। शेयर योर सॉफ्टवेयर विथ अदर
in civil engineering community, upload it with relevant platform like GitHub or other open resource repository, allowing other to contribute, provide feedback, or use your software in their project. Remember, building software is a continuous learning process. As a beginner, it is essential to seek guidance for more experienced developer, participate in forums or online community, and be open to feedback and constructive criticism. Okay, तो यहाँ पे जो है उसने आपको A to Z बता दिया है, सिर्फ आपको जो है उसने कहा कहा क्या क्या सॉफ्टवेयर बोला है या कहाँ से लर्न करना बोला है, ये आपको नाइन स्टेप में आपको पूरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा. ओके, आपको इतना भी नहीं, सिक्स स्टेप के अंदर आपको सॉफ्टवेयर बन जाएगा. जो 7, 8, 9 स्टेप है इसमें आपको सिर्फ जो है इम्प्रूवमेंट करना है और आपके पैकेज जो भी सॉफ्टवेयर बना है उसे इंस्टॉल करने के प्रोसीजर बता के छोड़ देना है. तो होप ये जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आप प्लीज़ ट्राई करके देखिए, अपना एक सॉफ्टवेयर बनाइए. इसके अंदर स्कोप बहुत है, बहुत ज़्यादा स्कोप है. हम जितने सॉफ्टवेयर डेवलप करते जाएंगे उतना जो है हमें प्रैक्टिस होते जाएंगी और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना देंगे जिसे हम एनालिसिस और डिज़ाइन जो है सिंपल वे में कर सके विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी. तो आप ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगाऊंगा. प्लीज़ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए. और तो मिलते हैं नेक्स्ट.